हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है केसर मैंगो पेड़ा। ये खाने में जितना टेस्टी होता है, इसको बनाना उतना ही आसान है। ये 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। एक कढ़ाई लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे 1 कप आम, जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। गैस को ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसके साथ ही डाल देंगे इसमें 1/4 कप चीनी। मिला लेंगे इसको और दोनों को चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है इसको चलाते हुए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच दूध है जिसमें मैंने 10 केसर के धागे डाल दिए थे पहले से। ये मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको भी मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। जिस कप से मैंने आम लिया था, उसी कप से मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर को इसमें अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल भी गांठें नहीं बननी चाहिए। इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। तब तक इसको चला के पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई से अलग नहीं होने लगे। अभी ये कढ़ाई में चिपक रहा है, जब ये अच्छे से पक जाएगा तब ये कढ़ाई से अलग होने लगेगा, तभी तक हम इसको पकाएंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच घी। आधा चम्मच इलायची पाउडर, इसको चलाते रहेंगे। पांच मिनट हो गया है फिर से मिक्सर को चलाते हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कढ़ाई से अलग होने लगा है। बस इतना ही हमें मिक्सर को पकाना है। तो अब ये मिक्सर रेडी है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो पेड़े का मिक्सर है इसको हम ठंडा कर लेंगे। एक प्लेट लिया है मैंने, इसके ऊपर घी लगा दिया है और ये जो पेड़े का मिक्सर है इसको हम प्लेट में डाल देंगे और इसको फैला देंगे, जिससे कि ये जो मिक्सर है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। मिक्सर ठंडा हो गया है, अब मैं इससे पेड़ा बना लेती हूँ। ये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, हल्का सा गर्म ही है। तो सबसे पहले हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और ये जो पेड़े का मिक्सर है इसको हाथ पे थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और इसको ऐसे घुमाते हुए हाथ में इससे पेड़ा बनाएंगे। पेड़े का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फिर से पेड़े का मिक्सर ले लिया है, इस तरीके से घुमाते हुए इसको पेड़ा बना लेंगे और इसको रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारा पेड़ा बना लेती हूँ। सारा पेड़ा मैंने बना लिया है, इसके ऊपर मैं गार्निशिंग कर रही हूँ काजू से।
काजू को मैंने क्रश कर लिया है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से इस पे गार्निशिंग कर सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो या फिर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये हमारा केसर मैंगो पेड़ा बनके रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।